हम पहुंच गए हैं पोलैंड और गांव कनेक्शन में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ काफ़ी ठंड है, बर्फबारी हो रही है। आज का दिन हालांकि बर्फ नहीं गिरी है लेकिन यहाँ बर्फ की चादर देखी जा सकती है सवेरे जैसे ही आप उठते हैं। और हम यहाँ के कटविश के उस इलाके में जहाँ क्रिसमस की तैयारियाँ हो रही हैं, क्रिसमस जो यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है जहाँ पर खूब रंगारंग यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं। और कटोविश के इस बाजार में हम देख सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट के जन्म को लेकर किस तरह से यहाँ पर अलग अलग रूपकों में उनके जन्म के बारे में बताया गया है। और क्रिसमस की तैयारियाँ हैं, काफ़ी रंग है चारों ओर। और यहाँ पर क्रिसमस कैसे मनाया जाता है और जब ठंड आती है, बर्फ़ पड़ती है तो लोग कैसे यहाँ पर व्यवहार करते हैं, कैसे इस पर्व को मनाते हैं, ये जानने के लिए हमने बात की कटोविश के ही रहने वाले अपने सहयोगी, अपने दोस्त पंकज सेठी साहब से। पंकज जी, आप इतने सालों से यहाँ पर हैं, क्रिसमस के वक्त में पोलैंड में कैसा माहौल रहता है, किस तरह से लोग मतलब इंजॉय करते हैं सब? पोलैंड में खासकर क्रिसमस के टाइम पे यहाँ पे एक तो आप देखिए लोकल मार्केट्स बहुत अच्छी डेवलप हो जाती हैं। हाँ। और आपको यहाँ कल्चर देखने को मिलता है जो कि इट्स क्वाइट सिमिलर टू इंडियन कल्चर, बट एक्सेप्ट वो चीज़ों का फ़र्क है। हम लोग कुछ स्वीट्स की तरफ जाते हैं, इन लोग के अपने कुछ अपने पकवान होते हैं एंड ऑल। बट अब जैसे स्नो पड़ेगी और क्रिसमस के दौरान यहाँ पे पीपल रियली एंजॉय, ऑनेस्टली दे अकॉर्डिंग टू मी पीपल अप हियर दे लिव देयर लाइफ। वो इसलिए नहीं कि जी रहे हैं, वो जी रहे हैं, दे रियली एंजॉय एंड यू नो दे हैव सो मेनी एक्टिविटीज अराउंड। खासकर न्यू जब भी आप क्रिसमस के बाद न्यूज आता है तो व्हाट्सएप में स्पेशली लाइव कंसर्ट्स होते हैं बड़े अच्छे अच्छे एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल गैदर देयर। और बेस्ट पार्ट उसमें यह है कि आपको सिक्योरिटी और कोई भी ऐसी चीज में कोई भी आपको कमी नहीं नजर आएगी। यू आर वेल, दे आर वेल इक्विप्ड एंड यू आर वेल, यू आर सेफ। अगर आप वहाँ पे 1000 आदमी पे इकट्ठा होता है तो वही लगता है कि मॉब आ गया है। इट्स लाइक इट्स ऑर्गेनाइज्ड, या इट्स ऑर्गेनाइज्ड, इट्स अ गैदरिंग लाइक फ्रेंड्स, ऑल ऑफ देम बिकम फ्रेंड्स एंड दे प्ले टुगेदर, दे एंजॉय द कंसर्ट्स। और पिछले 4 साल से तो मैं देख रहा हूँ और पीछे हम यहाँ देख रहे हैं पिछले कुछ वक्त से इतनी बर्फ पड़ती है, हालांकि आज बर्फ दिखाई नहीं दे रही है लेकिन पिछले 2 दिन में थी, तो इतनी बर्फ में लोग बाहर निकलते हैं खूब? बर्फ की तो इंतजार रहती है यहाँ पे। अच्छा, आई थिंक 2 साल पहले शायद क्रिसमस से 3 दिन पहले बर्फ पड़ी थी। वी वर लाइक यार बर्फ नहीं पड़ रही है अभी तक, क्रिसमस कैसे होगी, क्रिसमस कैसे होगी, हमारे स्नोमैन कैसे बनेंगे, यू नो। तो बड़ी चीजें ऐसी रहती हैं जो कि यहाँ पे टाइट हैं। राइट। और दूसरा ये जो यहाँ पर कई तरह की कल्चरल एक्टिविटीज आपने बताया है, तो हिंदुस्तानी कोई डायस्पोरा यहाँ पर कभी हिंदुस्तानी कलर मतलब पूरे पोलैंड में अगर आ जाए, कटोविश में ना भी हो, तो आपने देखा कहीं दिखता है हिंदुस्तान? बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन आपका, वैसे वाकई बहुत बढ़िया। यहाँ पे अब इंडियंस काफ़ी अच्छी तादाद में हो गए हैं। आप दिवाली के आसपास देखिएगा यहाँ पे इतने अच्छे ऑर्गेनाइज करते हैं लोग वर्षों में। दिवाली के सेशंस होते हैं, फिर दिवाली के आसपास इन लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेंड है लंगर लगाने का ना। जैसे यहाँ पर ये पहले देख ले जरा, ये सेंटा क्लॉज सो रहे खराटे ले रहे हैं। हाँ, तो दिवाली के वक्त यहाँ पर आप कह रहे हैं? दिवाली के वक्त पे काफी हंगामा रहता है, खासकर यहाँ पोलैंड में एक गुरुद्वारा है वॉर्सो के अंदर राशन में, जहाँ पे काफी एक्टिविटीज होती हैं, ना सिर्फ दिवाली में बल्कि गुरुपूर्व रहता है और उस दौरान काफी चीजें रहती हैं और काफी लोग यहाँ पोलिश लोग भी काफी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं अपने आप को। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सॉक्स जो है, ये इनका पर्पज पहनना कम और एक क्रिसमस के दौरान क्रिसमस सॉक्स यूज की जाती है गिफ्ट्स के लिए, बच्चों के लिए जो लगाई जाती है क्रिसमस ट्री के ऊपर। और नेक्स्ट यू विल फाइंड सम गिफ्ट्स इन द सॉक, दिस इज द मेन पर्पस, सेंटा के जो गिफ्ट आते हैं उसके लिए ये। सर, ये क्या जो यहाँ पर रखे हैं इतने जो खाने पीने की चीजें हैं यहाँ पे, इनका ये स्पेशल रहती है नॉन वेजिटेरियन में, ये लोग कुबासा कहते हैं, जैसे सॉसेजेस हैं बट दे आर फ्रेशली मेड होम मेड कुबासाज, मोस्टली दे आर मेड विद बीफ और पोर्क एंड और इसके साथ में इनके पास ये काबानोस है, काबानोस इट्स अ थिनर वर्जन ऑफ द सॉसेजेस, इट्स वेरी डिलीशियस। यहाँ पे ये लोग काफ़ी इसको रैलिश करते हैं। वन मोर थिंग वी हैव हियर इज दिस इज नोन एज, अगर हम इसको बोले सरल भाषा में, ब्लड सॉसेजेस। ओके, दे आर मेड विद अनियंस एंड मीट एंड दे आर ब्लड ऑफ
hogs and it's really a favorite of people. और सर्दियों में खासकर काफी चलती है क्योंकि इसमें heat बहुत ज़्यादा होता है. When you eat like it's it'll give you heat in your body. सर्दियों में काफी इनकी चलती है और ये local इनकी सारी बनी होती है. तो ये देख रहे हैं ये facts हैं इनकी सब. This is a version of bacon actually. The local version of bacon. मिठाइयाँ हैं आप कह रहे हैं कि ये यहाँ का लोकल नहीं है. हाँ ये देखिए ये यहाँ की लोकल है. ये जैसे हमारे यहाँ पे कह देते हैं एक पतीसा होता है पंजाब में काफ़ी चलता है. इनका लोकल स्वीट है. एग्जैक्टली टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही है. वैसे इसकी बनाने की विधि भी वही रहती है. इट्स वेरी गुड. यहाँ पे आप देखेंगे बकलावा है. इट्स मोर लाइक अ टर्किश स्वीट बट यस यहाँ पे काफ़ी पसंद की जाती है बकलावा. तो ये क्रिसमस के दौरान काफी बाजार के दौरान काफी ये लोग इसकी परचेज रहती है और काफी क्योंकि फ्रेशली होममेड होते हैं एंड इनका टेस्ट डेफिनेटली एंटायरली डिफरेंट रहता है. जो कि आप कमर्शियली लेंगे और एक होममेड फ्रेश लेंगे जमीन आसमान का फर्क है टेस्ट का. हम पोलैंड में हैं और यहाँ के खाने पीने का जो मिजाज है या यहाँ के जो अलग अलग ड्रिंक्स हैं चाहे यहाँ पर वाइन्स हों वोडका हों उनका अपना एक तरीका है और उनके अपने न्यूएंसेस हैं. उनका अपना किस तरह से वो बनाई जाती हैं और इस समाज में उनकी क्या अहमियत है और ख़ासतौर से यहाँ जितने तमाम यहाँ के रहने वाले लोग हैं या टूरिस्ट हैं वो उसको किस तरह से लेते हैं इस बारे में जानने के लिए भी हमने बात की अपने यहाँ पर जो नए मित्र बने हैं पंकज सेठी साहब से. ये इनकी स्पेशल लोकल वोडका है जो कि आलू से बनाई जाती है. ओके इट्स वेरी गुड. यहाँ पे कुछ वोडकाज ऐसी भी रहती है जो कि बुराकी से बनती है. बुराकी चुकंदर बीट रूट उसके भी बनाई जाती हैं और ये लोग काफी यहाँ पे रेड रेड उसमें है ये ओके ये जो इनकी है ये बेरीज से बनाते हैं और यू कैन सी ये भी व्हाट इज दिस फ्रूट एग्जैक्टली क्वींस दिस इज अ क्वींस ओके बियर्स भी यहाँ की काफी मशहूर मानी गई. डू यू हैव एनी बियर्स विद यू राइट नाउ? नो वी डोंट. बट अकॉर्डिंग टू यू व्हिच इज द बेस्ट पोलिश लोकल बियर हियर? आई एम नॉट श्योर. वी हैव अ लॉट ऑफ लाइक जुबर. इट्स नॉट गुड. नॉट गुड. ये आप देखिएगा एक बड़ी स्पेशल चीज है कावा. कावा इज लाइक टी और कॉफी सॉरी कॉफी. सो दिस इज आयरिश कॉफी बट दिस इज मेड लोकली हेयर एंड और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये लोग इसको भी कंज्यूम करते हैं. इसमें अल्कोहल है. अल्कोहल रहता है इसमें अप्रॉक्सीमेटली 21%. और जो यहाँ वाइन अलग अलग तरीके की उसके बारे में बताएं थोड़ा जो वहाँ पर. Can you tell something about the wines, please? Yeah, of course. It's wines from Poland, from Konin, from very fruity, from plum, from pear, from the black lilac. What you want? Sweet, semi-sweet. So you have different kind of wines with different fruits. Yeah. Different flavors. It's like chokeberry brandy, pear brandy, black currant. It's like Slivovitz, but it's 50% of alcohol and it's produced from different types than Slivovitz.